स्वागत है, मैं आपके साथ हूँ पूजा। आज इस बुलेटिन में बात होगी, गवर्नर से रुपेश मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग करने पहुंचे विपक्षी दलों संग बीजेपी जेडीयू कोटे से पूर्व मंत्री। डीएलएड नहीं करने वाले 12,000 शिक्षकों को राहत, हाईकोर्ट ने निकालने पर लगाई रोक। लॉकडाउन से बंद गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन फिर से शुरू, यात्री खुश। पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़े बदलाव, 100 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। आखिर में रिपोर्ट में दावा, ईरान ने पाकिस्तान में की सर्जिकल स्ट्राइक, अपने दो सैनिकों को छुड़ाया। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसान आंदोलन में विदेशी दखल पर भोजपुरिया कटाक्ष वायरल, जान न पहचान मौसी पाव लगीना। शराब कारोबार का हरियाणा कनेक्शन, शातिर चरा पुलिस के हत्थे। महज 10,000 रुपए में परीक्षा पास करा रहे एजेंट, एक परीक्षा केंद्र पर 22 मुन्ना भाई पकड़ाए। निर्वाचन आयोग का फरमान, सभी वीडियो देंगे मतदाता सूची के करेक्ट होने का सर्टिफिकेट। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। रुपेश सिंह मर्डर केस में पुलिस की थ्योरी, नीतीश कुमार सरकार में नगर विकास मंत्री रहे सुरेश शर्मा और परिवहन मंत्री रहे अजीत कुमार को भी नहीं जमी। अब विपक्षी दलों के पुराने नेताओं का एक समूह राज्यपाल से सीबीआई जांच की मांग करने जा रहा था, तो ये भी साथ हो लिए। पटना हाईकोर्ट ने डीएलईटी नहीं करने वाले बिहार के 12,000 से अधिक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। ये वे शिक्षक हैं जिन्होंने 12वीं पास करने के बाद 50% से कम अंक लाए थे। कोरोना काल में लॉकडाउन से बंद हुई गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन कई महीनों के बाद एक बार फिर से शुरू की गई है। इस दौरान रेल यात्रियों में भी काफी खुशी का माहौल देखा गया। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर निकली गई भर्ती में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब सिपाही भर्ती के लिए 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, साथ ही परीक्षा की समय अवधि को बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया गया है। स्वीडन के ग्रेटा थर्नबर्ग, गला फाड़ के गावे वाली रिहाना और फुअर सिनेमा में काम करने वाली मियां खलीफा के खेती के बारे में कुछ नहीं मालूम बा, लेकिन बहती गंगा में हाथ धोवे खातिर फटाक से कूद गए लोग। जानना पहचान मौसी पाव लगीना। शराब मामले में बिहार पुलिस की टीम ने हरियाणा के पानीपत में शराब ठेकेदार अजीत खलीला को गिरफ्तार कर पटना ला रही है। वह एक महीना से लगभग 20 ट्रक शराब बिहार भेजता था। मद निषेध विभाग के डीएसपी सुबोध और इंस्पेक्टर अबरार अहमद के साथ 2 सब इंस्पेक्टर की एक टीम इसे पकड़ने गई थी। इस बार बिहार की परीक्षा में नकल कराने की बड़ी तस्वीरें सामने नहीं आ रही है, लेकिन अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाने का गजब ट्रेंड सामने आ रहा है। भागलपुर शहर के एक सेंटर टीएनबी कॉलेज में बुधवार को ऐसे 23 मुन्ना भाई मिले, 22 पकड़े गए जबकि एक कूद कर भाग निकला। खबरों के अनुसार इंटर पास कराने का MRP 10,000 रुपए है। बिहार पंचायत चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अंतिम सूची प्रकाशित करते समय सभी वीडियो को वोटर लिस्ट के सही होने का प्रमाण पत्र देना होगा। केजरीवाल पैटर्न पर नीतीश सरकार भी मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की तैयारी कर रही है। मॉडल के रूप में पटना नगर निगम इसे राजधानी से शुरू करेगा। 10 फरवरी को इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। पटना के बाढ़ इलाके के पास ब्रह्मपुत्र मेल के ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन ब्रेक लगाते लगाते ऑटो का कुछ हिस्सा ट्रेन के इंजन के नीचे आ गया। इससे पहले ही ऑटो चालक ऑटो से कूदकर फरार हो गया। सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार द्वारा आयोजित चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने शहीदों और किसानों की खूब तारीफ की और अपनी सरकार के काम गिनाए। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। ग्रेटा पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ विवादित ट्वीट्स करने का आरोप है। केस दर्ज होने के बावजूद ग्रेटा ने लगातार दूसरे दिन किसानों के समर्थन में बयान दिया है। लाल किले पर हिंसा भड़काने के एक आरोप में धर्मेंद्र सिंह हरमन ने व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। भविष्य की लड़ाई के लिए HAL एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जो कि सिर्फ ड्रोन के जरिए ही पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ये सिस्टम है CATS यानी कॉम्बैट एयर टीम सिस्टम है। थलसेना दिवस इसकी ड्रिल कर चुकी है। राज्यसभा में दिग्गी राजा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा, जितने अच्छे ढंग से आप UPA सरकार का पक्ष रखा करते थे उतने ही अच्छे ढंग से भाजपा का पक्ष रखा, वाह जी महाराज वाह। तब सिंधिया मुस्कुराए और बोले, सब आपका आशीर्वाद है।
एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने 2 फरवरी की रात सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। ईरानी जवानों ने 2 साल पहले दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जैश-ए-अदल द्वारा अगवा किए गए अपने 2 बॉर्डर गार्ड्स को छुड़ा लिया। बिहार टेक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टेक्स। नमस्कार।